तेरे साथ ही बैठी थी हम, बोले को देख कि आज होने वाला है गरिमा के साथ बहुत बड़ा धमाका, उसको भी बुला लिया। हम सब्जी लेने आए थे एक्चुअली, मतलब इनके बाल दिखा देती हूँ, इसमें बनती हैं चार पहाड़ियाँ हैं इसमें। किसी को भी अपने बाल कटवाने को प्लीज़ गरिमा के पास कॉन्टैक्ट करिए। हर सक्सेसफुल इंसान को ना लोग गिराने के लिए लगी रहते हैं पीछे को, कि प्याज काटो करके पीछे से ऐसी लगी हुई है तब से। तो गाइस व्लॉग आज इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज होने वाला है गरिमा के साथ बहुत बड़ा धमाका। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। और गाइस मेरे व्लॉग में ना डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जिनके साथ आज बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो अगर ये मेरे व्लॉग में ज़्यादा बोलेगी तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं ख़राब कर दूँगी। और बहुत शांत माहौल है, एक ज़रा सी भी गलती बहुत बड़ा स्टेप ले लेगी। जो आर्टिस्ट है वो है ये लड़की, हेलो गाइस। और जो कस्टमर है वो है ये, इनके कटने वाले हैं आज बाल। क्या कटने वाले हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इनका लुक क्या होता है बाद में। मैं पहले इनको आपके मतलब इनके बाल दिखा देती हूँ, इसमें बनती हैं चार पहाड़ियाँ हैं इसमें। गरिमा का कहना है कि बाल जो हैं वो स्ट्रेट ना काटे, यू शेप काटे। और मैंने पहली बार एक कटिंग का नाम सुना है जो है बॉब कटिंग, जो कि इसकी होने वाली थी बॉब कटिंग। पता है गवार लोग जो होते हैं ना उनको बॉब कटिंग पता नहीं है, इसलिए गाइस जो गरिमा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि ये पहले सलून में काम कर चुकी है। जितने भी मैनिक्योर पेडिक्योर होते थे लोगों के वो हल्द्वानी में गरिमा करा करती थी, तो इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है हर एक कटिंग के बारे में। तो किसी को भी अपने बाल कटवाने हो तो प्लीज़ गरिमा के पास कॉन्टैक्ट करें। तो गाइज मेरे को अभी एक बात पता चली है कि जो मेरी कटिंग है ये ऐसी सेम कटिंग गरिमा की भी होने वाली है, तो जो मेरी कटिंग है उसका नाम भी बॉब कटिंग है। तेरी आर्टिस्ट मैंने, तो गाइज ये जो है मेरी आर्टिस्ट गाइज ये नहीं थी, मैंने सैलून से कटवाया, ये जो थी ये गरिमा की भी बॉब कटिंग हो रही है सेम मेरी। गाइज यहाँ वीडियो बनाते बनाते मेरे को रात हो चुकी है, रात के 10 बज रहे हैं गाइज। पर ऐसा मारूंगी ना तेरे। तो जो है गाइज अभी तक बाल कटे नहीं है। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी अभी मैं कॉलेज से आई हूँ और अभी थोड़ा सा सामान लेना है, तो उसके लिए मैं और गरिमा जा रहे हैं बाहर। तो गाइस यहाँ मैं और गरिमा जो हैं हॉस्टल के बाहर निकल जाते हैं जाने के लिए सामान लेने के लिए। और यहाँ जो है ना गरिमा अपने लेम जोक मार रही है बिल्कुल लेम जोक। गाइस हम यहाँ यूजुअली जो है ना खाने आते हैं, बट आज जो है हमारे पास पैसे नहीं हैं। और गाइज यहाँ ना गरिमा अपना बिल्कुल एक्चुअल काम करने लग गई जिस काम के लिए ये जन्मी है। यहाँ पे ये बार्गेनिंग करने लगी है और जब भी मुझे सब्ज़ी खरीदनी होती है मैं इसी को लेके जाती हूँ। और फिर हम ना हर्षिता के घर भी आ गए थे क्योंकि बीच रास्ते से जहाँ से हमें सब्ज़ी लेनी थी तो बीच में हर्षिता का घर पड़ता है, तो हमने उसको भी बुला लिया था। फिर दोनों महिलाएँ मिल के सब्ज़ी लेने लगी थी और यहाँ पर स्वामी भी आ गया था। अब वो कैमरा देख के थोड़ा शाय शाय हो रहा था गाइज। और यहाँ पे दोनों जो हैं, एक महिला यहाँ पे भी सब्ज़ी लेने जुटी हुई थी, फिर दूसरी महिला भी जुट गई, तो दोनों प्रॉपर बार्गेनिंग कर रहे थे गाइस। तो गाइस हम अजंता स्वीट्स आए हैं, तो हमारे समोसे आ गए हैं। तो गाइज यहाँ मैं देख रही हूँ आइसक्रीम पर हमारे बजट में जो फिट हो जाए, हमारा बजट सिर्फ मात्र 10 रुपये का है, ठीक है, बकवास नहीं होता है। गाइज 10 रुपये की आइसक्रीम ना दिख ही नहीं रही है, चोकोबार वो नहीं 20 वाली है बेटा, है ये वाली भी। गाइज देखो चोकोबार पर ये मुझे पसंद है, पता है ये बहुत टेस्टी होती है, मैं यही खाती हूँ। मोटी है ना। वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग गाइज। तो आज हमारा ब्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होने वाला है। हमने सोचा था कि आज हम अपना स्नैक्स खुद से बनाएंगे, तो हम अभी मार्केट ही होके आए हैं, तो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि हम अपने स्नैक्स के क्या क्या लाए हैं। ये कुछ आलू और प्याज लाए थे और कुछ मसाले लाए थे और ब्रेड एंड ऑल लाए थे, हम इस तरह के सैंडविच वगैरह बनाएंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सैंडविच आज खुद से बनाएंगे, लेकिन जो हमारा शेफ है ना वो कुछ इस हालत में पड़ा हुआ है, आप देख लो इसे। इसने कहा था कि मैं खुद बनाऊंगी और वो बगल वाली को भी देख लो, बिल्कुल पूरा ख़त्म। गाइज एब नॉर्मल,
यहाँ पे लड़की जो है ना वो सैंडविच बनाने के लिए आलू में आलू धो रही है अभी गरम गरम, तो अभी ये लड़की बनाएगी सैंडविच। ये लड़की गाइस मैं चलती हूँ रूम में क्योंकि मुझे काटने हैं प्याज, और ये लड़की आ रही है पीछे। देखो कितना देर होता है हमारे यहाँ। हाँ गाइस ये टेबल पे मत जाना प्लीज़ ना, हमेशा मैसी रहती है थोड़ी। तो यहाँ पे ये जो आलू हैं ये हो चुके हैं बॉयल, अब मैं काट रही हूँ प्याज और ये लड़की बनाएगी सैंडविच। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अभी काटूंगी प्याज, गरिमा बना रही है मतलब गरिमा आलू छील रही है, और भूमिका आएगी अभी नहा के तो वो बनाएगी कॉफ़ी। तो हमारा आज का ये होगा नाश्ता, और क्या कहते हैं हाँ शाम का नाश्ता। नाश्ता शाम में ही होता है, डिनर रात में होता है। सुबह क्या होता है फिर? सुबह भी ब्रेकफास्ट होता है, शाम में भी ब्रेकफास्ट होता है। तो अभी जो है ना मॉल बिल्कुल सेट है गाइज़। तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो लड़की है ना ये जब भी वीडियो बनाती है, और वो जो दूसरी वाली लड़की भी है वो भूमिका, वो जब भी वीडियोस बनाते हैं ना तो यहाँ इसी जगह पर आके वो लोग क्या करते हैं लिपस्टिक लगाते हैं अपने मुंह पे, ठीक है। लिपस्टिक लगाएंगे, बाल वाल सेट करेंगे अपने, उसके बाद फ़ोन पकड़ेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। और मेरी हालत आप हमेशा देख सकते हो, मैं ऐसे पकड़ती हूँ कैमरा जैसा मुँह है वैसे ही दिखाऊंगी। इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी 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 ये बिल्कुल सही है, अभी इसने कुछ मेकअप नहीं किया हुआ, दिस इज़ द असली रूप। हाँ, और जो दूसरी वाली लड़की है ना उसको तो भाई वीडियो बनाने से पहले वो अपने पहले बाल पूरे सेट करेगी, लिपस्टिक लगाएगी, बिल्कुल बिल्कुल हीरोइन बनेगी, उसके बाद कैमरा पकड़ती है वो लड़की। इस गरिमा मुझसे यहाँ कह रही थी कि मुझे मैश करते हुए दिखा, तो मैं उसको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये ना मतलब मेरे साथ रह रहे ना कैमरे की थोड़ी आधी हो चुकी है, तो इसको पसंद है हर चीज़ में इसकी दिखाऊं, समझ रहे हो आप। फिर आप कमेंट में लिखते हो गरिमा दिल विल भेज दो, तो इसको खुशी मिलती है, तो ऐसे भेजा करो। इस गरिमा मुझे बिल्कुल आराम नहीं करने देती है, पता है अभी मैं सो रही थी, प्याज काटो करके पीछे से ऐसी लगी हुई है, तब से बिल्कुल रेस्ट नहीं करने देती। गाइस देख रहे हो कितनी कमज़ोर हो गई हूँ मैं, इतनी पतली हो गई हूँ इसी की वजह से हुई हूँ। अरे मैं तो करा रही हूँ मजदूरी। गाइस ये लड़की आ चुकी है पूरे एक हफ्ते बाद नहा के, पूरे एक हफ्ते बाद। गाइस ये पता है रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड तोड़ती है हर क्या कहते हैं आज कित क्या है फ्राइडे या थर्सडे होगा। गाइस बस ये कैमरा गलत जगह घुमा हुआ है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही कही जा रही है। अगर ये कैमरा थोड़ा फ्रंट हो जाए ना मजा ही आ जाए। गाइस फ्रंट कर देती हूँ, तेरी पीछे लो इसको देखो। इस रूम में सिर्फ मैं हूँ जो रोज सुबह 5 बजे उठ के नहाती हूँ। तेरा ना वो स्नैप भेजा है मैंने सैटरडे टू सैटरडे वाला, ठीक है ना, सबको भेजा है, इसलिए ज़्यादा बकवास तो कोई बात सेम भी पड़ा है मेरे को। कोई बात नहीं, झूठे लोगों की कमी नहीं है दुनिया, ठीक है। हर एक हर सक्सेसफुल इंसान को ना लोग गिराने के लिए लगे ही रहते हैं पीछे से। तो गाइस ये रही प्रॉपर हकीकत जो है ना, ये रही। एक और बार बोलना, आपकी आवाज़ नहीं आई शायद। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसको कुछ लोग ही कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको इसकी रेसिपी नहीं। गाइस गलियों में लोग रहते हैं ना शेक बनाने वाले, वही पहले काम किया करती थी, वहाँ से भी निकाल दिया गया इसको, इसलिए समझ सकते हो आप। अब यहाँ पे बनाती है, हमें पिलाती है रोज़ रात। गाइस अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, खाना वाना बहुत ज़्यादा खा लिया हमने, तो थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहे हैं। देख लो आप स्टाइल मारती है, जहाँ कैमरा दिख गया ना वहाँ स्टाइल मारना चालू हो जाता है। गाइस इकलौता मिरर है हमारे यहाँ, इकलौता बड़ा वाला।
हम जा रहे हैं नीचे स्टेयर्स से। यहाँ दिखाने लायक नहीं है तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगी नहीं, बट हाँ एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं आपको कि वो जो लड़की है ना वो यहाँ घूम रही है। गाइस हम लोग यहाँ रोज आते हैं राउंड वाउंड लगाने, वॉक करते हैं, खाने। जब आप बाहर की दुनिया देख सकते हैं, छोटा सा किया गया है, देखो देख सकते हैं इस दुनिया से बस यहाँ से हम अपनी छोटी सी दुनिया देख सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ एक गाइस, हम ना रोज़ खाने के बाद यहाँ वॉक करने आते हैं, इतना बड़ा तो है नहीं यहाँ, बट थोड़ा 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 वॉक कर लेते हैं, छोटी सी गैलरी है। और गाइस देखो मैं क्या घूंगा सॉरी रखा घूंगा वो है ब्रो व्हाट्सअप चल उड़ 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 चल चल देख तू अंदर घुस रहा बार बार। अबे टर्बो देखिए तुमने जब देखे नहीं होते ना मुंह बंद रखा। अरे बाप रे टर्बो हलवानी हलवानी की प्रजाति रेस 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 टर्बो गाइस ये दोनों पागल हो चुके हैं एक्चुअली। मुझे नींद आ रही है, सोने का वक्त हो चुका है तो मैं नीचे से आ गई हूँ और मैं सो जाऊंगी गाइस। गाइज मैं सोने वाली हूँ गाइज, तो मिलते हैं कल। ओके अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइज, और मिलते हैं कल।